नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21T वर्सेस Tecno Camon 19 Pro Mondrian का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21T में 6.46 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y21T में 2.99 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Y21T से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21T में 182 ग्राम जबकि 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Y21T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21T में 6.58 इंचेस जबकि 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21T में 1080x2408 और 19 Pro Mondrian में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21T में 83.76% जबकि 19 Pro Mondrian में 88.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21T में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 19 Pro Mondrian की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 19 Pro Mondrian में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21T में Adreno 610 जबकि 19 Pro Mondrian में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 और 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21T में 4GB जबकि 19 Pro Mondrian में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21T में अप टू 1TB जबकि 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21T में Android V11 जबकि 19 Pro Mondrian में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y21T में 2 कलर्स जबकि 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21T 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,300 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 19 Pro Mondrian की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21T में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Camon 19 Pro Mondrian
की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 प्रो मोंड्रियान आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y15s 2021 है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Moto G22 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।